नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 15 अगस्त यानी गुरुवार को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर देश सहित हर राज्य में फाइनल तैयारी की जा रही है। बात करें कि बिहार की राजधानी पटना की, तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में फाइनल परेड का रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस मौके पर पटना के कमिश्नर कुमार रवि और IG गरिमा मलिक मौजूद रहीं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह यहां गांधी मैदान में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है और उसके लिए आज पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। पूर्वाभ्यास के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और लगातार पिछले 10 दिनों से परेड की तैयारी की जा रही है। 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम में यहां पर परेड का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसके साथ साथ विभिन्न विभागों की झांकियां भी यहां पर प्रस्तुत की जाए, तो सभी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही साथ यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी जो भी इंतजाम है वो सभी कर लिए। कितने झांकियां हैं सर यहां पर? अभी 12 विभागों की झांकियां हैं और उसको यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। अलग अलग थीम है और यहां पर उसको दिखाया जाएगा। 15 अगस्त को सभी प्रकार के राज्य समारोह, राजकीय समारोह जो है उसके मद्देनजर और ओवरऑल पटना में सुरक्षा व्यवस्था की जो है पूरी तैयारी कर ली गई। यहाँ पर परेड जो होनी है उसमें हमारी 19 विभिन्न इकाइयों की टुकड़ियाँ जो है वो भाग ले रही हैं। आज आप लोग जैसे देख रहे हैं फाइनल रिहर्सल चल रहा है, तो जो भी बारीकियाँ हैं कार्यक्रम की उनको जो है वो आज देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र जो है वो सभी जगह पर जो है चेकिंग लगी हुई है। हमारे नाके जो हैं वो कार्यरत हैं, सभी बस स्टैंड्स हों, रेलवे स्टेशंस हों, सब जगह पर पूरी की पूरी जो है वो हम लोगों की जो है सतर्कता चल रही है। एस ड्राइव चल रही है, टीम्स निकली हुई हैं बाहर और पूरी की पूरी सतर्कता है। पूरा पुलिस बल जो है वो अलर्ट पे है, इस मंशा के साथ, इस जो है गोल के साथ कि बहुत अच्छे से इस बार भी हमारा 15 अगस्त का जो समारोह है, 15 अगस्त का दिवस जो है स्वतंत्रता दिवस, वो अच्छे से निकले। डिटेल्स आपने साफ तौर पर पटना के कमिश्नर कुमार रवि और IG गरिमा मलिक को सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां कर ली गई है। एक कहे तो ये फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया जाता है। ठीक 15 अगस्त के पहले ये 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जो कि ऐतिहासिक गांधी मैदान से नीतीश कुमार प्रदेश के नाम संदेश देंगे। और कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है, 19 टुकड़ियों में झांकियां निकाली जाएगी, जिसको लेकर गरिमा मलिक ने भी बताया सारी बातें। और जितने भी बारिश को लेकर भी अलर्ट किया गया है प्रशासन को, और बारिश की जो स्थिति जो बनी हुई है प्रदेश में उसको लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सन सिंह पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।